हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, कितने प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या होंगी, ये सारी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र बताने से पहले थोड़ा सा हम बैक क्लास में चलते हैं, जहां पर हम आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताए थे, विद्युत क्षेत्र बताए थे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताए थे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण बताए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी मीन्स यूनिट पार्ट फर्स्ट जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, यानी कि स्थिर विद्युत पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम दिए थे। तो आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र मीन्स वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का अपना प्रभाव उत्पन्न होता है, अपना क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। जैसे ये हमारा क्षेत्र है, जहां पर जहां तक हमारा प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं हमारा क्षेत्र। जैसे पुलिस प्रशासन का क्षेत्र होता है, इस विधानसभा का क्षेत्र होता है, लोकसभा का क्षेत्र होता है, तो हर किसी का एक क्षेत्र होता है। तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बता चुके थे कि विद्युत क्षेत्र मीन्स वैसा क्षेत्र जहां पर जहां तक विद्युत का प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है। मीन्स हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर विद्युत की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग चुंबक की बात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा की बात करेंगे तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसके भीतर इसके प्रभाव महसूस करते हैं या प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह स्थान जहां तक इस चुंबक का अपना प्रभाव उत्पन्न होता है, वहां तक के क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर चुंबक के कारण हो रहा है तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, अगर विद्युत के कारण होगा तो कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हम लोग चुंबक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं और चुंबक से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ेंगे, तो विद्युत को आप लोग साइड कर दीजिए। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे थे कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग ऐसा पढ़ चुके थे, तो हम आपको फिर से बता रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कि चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां तक किसी चुंबक के अपना प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रभाव यानी कि चुंबक के भीतर प्रभाव महसूस किया जा सके, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये आपका चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे बार मैग्नेट, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, बार मैग्नेट है जिसको छड़ चुंबक बोलते हैं। इस छड़ चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जहां तक इसका प्रभाव महसूस करते हैं, वहां तक के क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात अगर करना हो तो ध्यान से समझिए, ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है, काल्पनिक वास्तविक नहीं, याद रखिएगा हम काल्पनिक की बात करें, वास्तविक की नहीं, क्योंकि जो चुंबकीय रेखाएं भी होती है और जो विद्युत रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती है, भले हम लोग उसको वास्तविक रूप में प्रदर्शित करते हैं लेकिन रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक होती है। तो याद रखिएगा चुंबकीय रेखाएं वैसी रेखाएं होती है जो चुंबक की दिशाओं को प्रदर्शित करती है, चुंबक की परिमाण और दिशाओं को प्रदर्शित करती है, उसे हम चुंबकीय रेखाएं बोल देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा परिभाषा हमने लिखा है, आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा इसको। तो हम लोग चुंबकीय रेखाएं की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र को वक्रित रेखाएं
या रेखाओं को समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तविक नहीं, भले इसको हम लोग प्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग वास्तविक रेखा खींच करके प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक्चुअल वास्तव में ये वास्तविक नहीं होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम चुंबकीय रेखाएं की बात करते हैं, चुंबकीय रेखाएं किसे कहेंगे, तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र को वक्रित रेखाओं या रेखाओं के समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम चुंबकीय रेखाएं कह देते हैं। चुंबकीय रेखाएं वास्तव में काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तविक रेखाएं नहीं होती है। अब बात करते हैं चुंबकीय रेखाएं कितने प्रकार की होती है, तो कहेंगे चुंबकीय रेखाएं दो प्रकार की होती है। जिस तरह से हमारा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती थी, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और दूसरा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जिस तरह से हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं में हमने बताया था कि समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं और असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और दूसरा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब सवाल ये है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। समरूप, यहाँ पे देखिए नाम में ही डिफिनेशन छिपा हुआ रहता है। यदि आप ध्यान से नाम को अगर ध्यान से आप पढ़ लेते हैं, तो आप उसको अपने से डिफिनेशन बना करके एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई डिफिनेशन नहीं काट सकता है। याद रखिएगा, जो नाम है उसी नाम को लेकर के उसका डिफिनेशन बना दीजिए। जनरली वैसे तो हम किसी चीज का परिभाषा बोलना हो, अगर 10 लोग होंगे तो 10 तरीके से परिभाषित करेंगे उस चीज को, 10 परिभाषा सही होगा। याद रखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स अकॉर्डिंग टू परिभाषा, उसके अनुसार अगर बोलते हैं तो सब परिभाषा सही होगा। अगर जैसे बात करते हैं, सपोज दैट समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे। समरूप, समरूप का मतलब जिसका समान रूप हर जगह हो, यानी कि वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर समान चुंबकीय सामर्थ्य हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, समान परिमाण हो, समान दिशा हो, वैसे क्षेत्र को, वैसी रेखा को हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह देते हैं। यहाँ पे परिभाषा हमने लिखा है कि अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को बताना हो तो कहेंगे समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र समरूप है, किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र समरूप है यदि, ध्यान से समझिएगा, क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर सामान्य सामर्थ्य रखती है। सामर्थ्य का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र के जो पावर होते हैं वो सामान्य सामर्थ्य रखती है, तथा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा संपूर्ण क्षेत्र में वही रहती है। यानी कि जहां पे हर प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हो, दिशा हो, एक ही होता है, तो वैसे क्षेत्र रेखाएं को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कर देते हैं। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे कि वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वैसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का सामर्थ्य हर जगह एक ही हो, अर्थात उनका परिमाण और दिशा प्रत्येक बिंदु के लिए एक जैसा हो, उसे हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हर जगह एक जैसा होता है, यानी कि कहीं ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जो हम लोग परिनालिका होती है, तो परिनालिका का अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी, और धारावाही परिनालिका जो हम लोग पढ़े थे, उस धारावाही परिनालिका के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समरूप होता है। याद रखिए, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समरूप होती है, धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समरूप होती है। तो याद रखिएगा, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब बात करते हैं दूसरा, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यदि आपको समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समझ में आ गया, तो समझिए कि असमरूप अपने आप आ जाएगा, मीन्स वैसे
असमरूप क्षेत्र रेखाएं होंगी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का परिमाण और दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं होते हैं, तो वैसे क्षेत्र रेखाओं को हम असमरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह देते हैं। तो इसका परिभाषा अगर बात करना हो तो ध्यान से समझिएगा, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भिन्न भिन्न हो, यदि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भिन्न हो, तो वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को हम असमरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह देते हैं। अब बात करते हैं कि असमरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एग्जांपल क्या होगा। तो किसी भी क्षण चुंबक या किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो असमरूप होता है, क्योंकि उसकी हर जगह एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, कहीं अधिक होगा कहीं कम होगा। तो वैसे हम एग्जांपल में हम बता सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो असमरूप होती है। और याद रखिएगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इस तरह से हो गया। अगर आपको ये ज्ञात करना होगा कि कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और कौन मीन्स कौन समरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और कौन असमरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, हम यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, पांच ऑप्शन दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं ये है, इस तरह से है। सेकंड फिगर में ये क्रॉस वाला है, थर्ड फिगर में ये पॉइंट वाला है, फोर्थ फिगर में ये है, फिफ्थ फिगर में ऐसे है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पांचों में से कौन समरूप चुंबकीय क्षेत्र है और कौन असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण की बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण अब हम लोग बात करेंगे चुंबकीय रेखाओं के गुण। चुंबकीय रेखाओं के गुण क्या है, इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। जिस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं। याद रखिए, 2-in-1, एक तीर से दो निशाना होगा। यहाँ पर जिस तरह से हम आपको बताएंगे, यदि आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण अगर नहीं पढ़े हैं तो ये पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों मीन्स एक ही जैसा है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि वहां पर विद्युत की बात कर रहे थे और यहाँ पर चुंबक की बात कर रहे हैं। सिर्फ यही आप खाली हटा दीजिएगा चुंबक, तो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हो जाएगा। दोनों में समानांतर है, दोनों एक जैसा है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए, तेज बनना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अपने आप तेज बन जाइएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा मेहनत करके दोनों पे कमांड करना है तो एक तीर से दो निशाना लगाइए। देखिए कैसे हम इसको समझाते हैं। तो बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। तो वैसे लिखते हैं क्या है, ये दो नंबर का एग्जाम में हमेशा पूछता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो जो तेज स्टूडेंट होते हैं, जो दिमाग लगाकर पढ़ाई करते हैं, तो अगर एक चीज पढ़ लेते हैं मीन्स कोई भी दोनों में से एक पढ़ लेते हैं तो वो दोनों में कर सकते हैं, मीन्स कोई भी आएगा वो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के निम्नलिखित गुण हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के निम्नलिखित गुण हैं, तो सबसे पहला गुण की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत रूप से होती है। सतत का मतलब लगातार। तो हम कहेंगे सबसे पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत तथा बंद वक्रों का निर्माण करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो सतत होता है, कंटिन्यू लगातार जिसको बोलते हैं, सतत तथा बंद वक्रों का निर्माण करती है। अर्थात यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप समझिएगा, जैसे सपोज दैट ये जो है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये आपका बाहर की ओर निकलेगा, ये अंदर की ओर आएगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। बाहर बाहरी पृष्ठ पे क्या होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बाहरी पृष्ठ पर वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ये आपको बाहर की ओर निकलती है, ये अंदर की ओर जाती है। ध्यान से समझिएगा,
बाहरी पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, लेकिन यदि हम बात करते हैं इसके अंदर से, तो ये अंदर की बात करते हैं, तो अंदर में क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव की ओर आती है, दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां जाती है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सतत रूप से चलती है और ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है। तो पहला हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत रूप से तथा बंद वक्र का निर्माण करती है, तथा हम कहेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है किसी भी चुंबक के बाह्य पृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, और अंदर पृष्ठ पर यानी कि अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भाग में होते हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। अब सेकेंड गुण की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का सेकेंड गुण क्या है, तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्श रेखा से खींच चुंबकीय क्षेत्र से खींची गई स्पर्श रेखा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। जैसे मान लेते हैं यहां पर हम इसको खींच दिए, स्पर्श रेखा खींच दिए, तो यह स्पर्श रेखा जो है बी वेक्टर डिनोट करती है, मींस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो याद रखिएगा किसी भी चुंबक से खींची गई स्पर्श रेखा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। याद रखिएगा जिस तरह से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती है, और यदि काटती है तो वो दो दिशाएं बनाती है जो कि असंभव है, तो ठीक उसी तरह से हम कहेंगे कि कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यदि काटती है तो दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो कि असंभव है। जैसे आप यहाँ पे फिगर देखिएगा, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक ये चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर ये चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे को कभी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रॉस नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है, यदि सपोज दैट कर लेती है तो उसकी दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा एक ही हो सकती है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ हो सकता है, ऐसे नहीं कि साउथ में भी जाएगा नॉर्थ में भी जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चौथा, एक दूसरे से दूर क्षेत्र रेखाएं दुर्बल होती है, जबकि पास पास होती है तो वो प्रबल होती है। याद रखिएगा कभी भी जिस तरह से हम लोग आवेश की बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की बात कर रहे थे, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पास पास होती थी तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती थी, और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती थी तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दुर्बल हो जाती थी। ठीक उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब पास पास होगी, नजदीक होगी, तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल हो जाएगी, और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दुर्बल हो जाएगी। जैसे सपोज दैट अगर हम लोग चार दोस्त हैं, चारों दोस्त अगर साथ में होते हैं तो चारों हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बलवान हैं, बहुत मजबूत हैं, और कोई अगर हमसे झगड़ा करता है तो मे भी हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि चार लोग हैं, चार लोग मिल करके कहीं भी मीन्स मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आप झगड़ा मत करिएगा चार दोस्त हो तो हम आपको बता रहे हैं, यदि चारों दोस्त सपोज दैट चार दिशाओं में बढ़ जाएं, उत्तर नॉर्थ साउथ में बढ़ जाएं, तो कंडीशन क्या होगा, एक अगर पकड़ा जाए, अगर चार लोग एक को मारने आ जाएं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फोन करते हैं, रुको बुला रहे अपने दोस्त को, फोन करते हैं, चारों तरफ फोन मिलाने लगते हैं, फलानवा। तो इससे क्या होता है, उस समय जब हमारे दोस्त दूर दूर होते हैं तो हम कमजोर, अपने आप को कमजोर फील करते हैं, तो हम उस समय दुर्बल हो गए। जब हम चारों इकट्ठा होकर के चलते हैं, हम लोग से जैसा कोई नहीं हो सकता है, मींस दिमाग में भर जाता है कि हम लोग चार लोग हैं, किसी से भी झगड़ा कर सकते हैं, तो मींस
पास है तो प्रबल है, दूर है तो दुर्बल है। तो उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब पास पास होती है तो वो मीन्स प्रबल होती है, और दूर दूर होती है तो दुर्बल होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार्श्वों में फैलती है तथा लंबवत में सिकुड़ती है। पार्श्वों का मतलब देखिए ध्यान से, सपोज दैट अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो इस तरह से फैलती हैं, ये पार्श्व हो गया। यदि इसको अगर हम लंबवत कर देते हैं तो लंबवत में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सिकुड़ने लगती है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार्श्वों में फैलती है और लंबवत में सिकुड़ती है। अब लास्ट जो पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वास्तविक नहीं होती है। याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है, वास्तविक होती है, काल्पनिक होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वास्तविक नहीं होती है, वो काल्पनिक होती है। लेकिन फिर भी हम अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को प्रदर्शित करना होता है तो हम वास्तविक रेखाएं खींचते हैं। जैसे ये हम रेखाएं जो खींचे हैं वास्तविक रेखा खींचे हैं, आप ये सर वास्तविक नहीं होती है, लेकिन प्रदर्शित करने के लिए वास्तविक रेखा खींची जाती है, लेकिन वास्तविक में वास्तविक रेखा नहीं होती है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण था जो 2 नंबर के आपके एग्जाम में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्षण चुंबक तथा परिनालिका का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपके एनसीईआरटी टॉपिक है, एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक फुली एग्जाम्पल के साथ हम लोग फुली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा जितने भी टॉपिक होंगे सबके बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्षण चुंबक और परिनालिका की बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्षण चुंबक और परिनालिका, ये दोनों में संबंध क्या है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में परिनालिका क्या होती है, परिनालिका के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्षण चुंबक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है, मीन्स कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, कमजोर है, कौन किसकी तरह व्यवहार करता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो एक सीधी धारावाही चालक, जो एक सीधी धारावाही परिनालिका जो होती है वो क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। याद रखिएगा, जो एक सीधी धारावाही परिनालिका होती है वो क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब सवाल होगा कि क्षण चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, तो फिगर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। परिनालिका में हम लोग पढ़े थे कि इस तरह से बहुत सारे तार की फेरे होती है, और इस जब जैसे इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से हम बना सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ध्यान से समझिए, ये नॉर्थ पोल को डिनोट करने लगता है, और ये जो होता है वो साउथ पोल की डिनोट करने लगता है। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि सपोज दैट ये जो है आपको एक क्षण चुंबक है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाती है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है ये इस तरह का बिहेव करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्षण चुंबक भी जो होता है ये हम बना दिए, ये आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर निकलती हैं। नॉर्थ पोल से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर निकलती हैं, और साउथ पोल में क्या होती है, प्रवेश करती है, ये अंदर की ओर जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्षण चुंबक है। अब जैसे क्षण चुंबक अपना गुण रखता है, ठीक उसी तरह से व्यवहार परिनालिका करने लगती है। कैसे परिनालिका करती है, जैसे इसमें धारा आई प्रवाहित करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें भी एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ जो होता है साउथ पोल उत्पन्न हो जाता है। और आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलने लगती है, और साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करने लगती है। दोनों में सबसे खास बात यह है कि अगर कोई मान लेते हैं छड़ को, जो चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है, मीन्स कच्चा लोहा जिसको बोल सकते हैं, नर्म लोहा जिसको बोल सकते हैं, यदि नर्म लोहे को अगर परिनालिका के अंदर डाल देते हैं,
यदि नर्म लोहे को परिनालिका के अंदर डाल देते हैं तो ये तुरंत चुंबकित हो जाता है, यानी कि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी चुंबकीय पावर उत्पन्न हो जाता है। अगर हम इसके पास रखते हैं तो उतना चुंबकीय क्षेत्र यज्ञ नहीं करेगा, लेकिन अगर परिनालिका के अंदर किसी भी क्षण को अगर रख देते हैं तो इसका ये तुरंत चुंबकित हो जाता है, चुंबक में परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो याद रखिएगा जो परिनालिका होती है, धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है, प्रबल होता है, मीन्स क्षण चुंबक की अपेक्षा, मीन्स जो परिनालिका होती है उसकी चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अब बात करते हैं कि इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कम होता है, अल्प होता है, दुर्बल होता है, और इसके अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अधिक होने के साथ साथ समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, जबकि क्षण चुंबक के चारों तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो याद रखिए दोनों में संबंध समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि परिनालिका जो होती है क्षण चुंबक से बहुत ज्यादा प्रबल रूप से होती है, परिनालिका जो होती है क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, परिनालिका के बाहरी भाग में चुंबकीय क्षेत्र कम होता है जबकि उसके अंदर भाग में चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है, एक समान रूप से होता है। यदि परिनालिका के अंदर कोई छड़ को रख देते हैं तो वो तुरंत चुंबकित हो जाता है। तो ये परिनालिका के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में पढ़ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, कितने प्रकार की होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़े हैं वो छड़ चुंबक और परिनालिका के बीच में संबंध भी पढ़ लिए। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करिए जरूर, क्योंकि आपकी एक लाइक और हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और अच्छे अच्छे टॉपिक आपको देने की कोशिश हम भी करने लगते हैं। तो लाइक जरूर करिए, शेयर कमेंट जरूर करिए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।